नमस्कार, खंबागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारा कस्बा थाना चेक पोस्ट पर बना रेत से भरा डंपर किया जब्त। निःशुल्क नेत्र व चिकित्सा परामर्श उपचार शिविर संपन्न, 175 लोगों ने पंजीयन करवा कर लिया परामर्श। श्रीमद्राधीश मंदिर में ढोल उत्सव, कल अबीर गुलाल से ठाकुर जी खेलेंगे होली, केसों के फूलों के रंग की होगी बौछार, होली के रसिया का होगा गायन। बारा किराना व्यापार संघ ने की प्रेस वार्ता, आईटीसी उत्पादों का बहिष्कार करेगा किराना व्यापार संघ। झालवाड़ा जिला के खानपुर थाना क्षेत्र के बेसारा गांव में आग से करीब 2 बीघा के गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बारा होली पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस बल के साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बारा जिले के शाहबाद उपखंड के कस्बा थाने में रविवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बनास रेत से भरा ट्रक जब्त किया है। थानाधिकारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देश पर एएसआई परशुराम के नेतृत्व में हाईवे पर चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एमपी की तरफ से आ रहा एक बनास रेत से भरा ट्रक जब्त किया है। ट्रक ड्राइवर पर कोई कागजात नहीं होने पर मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचित किया है। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। श्रीमान आईजीपी साहब व पुलिस अधीक्षक बारा के निर्देश अनुसार कोटा कोट नाके पर नाकाबंदी चल रही थी। एमपी की तरफ से एक डंपर आया, उसको रोका गया तो उसके नंबर MP07HB4833 थे। उसे पूछा कागजात के बारे में तो कोई कागजात नहीं होना बताया। कॉन्स्टेबल ने ऊपर चढ़कर देखा तो उसमें रेत भरी हुई थी, रेत बनास की थी, जिसको मौके से जब्त करके थाने पर खड़ा किया और उच्च अधिकारियों को निवेदन किया और खनिज विभाग को भी सूचित किया। अखिल भारतीय अग्रवाल सेवा उत्थान समिति कोटा संभाग के तत्वावधान में शनिवार को फागोत्सव का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण बनकर आई महिलाओं ने रासलीला की और फूलों से होली खेली। महिला अध्यक्ष कमला मित्तल ने बताया कि फागोत्सव में सबसे प्रथम महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संभाग अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। विशेष अतिथि के रूप में संदीप अग्रवाल, चांदीवाला, गोपाल गोयल उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिला मंडल में महामंत्री श्यामा गुप्ता, ममता मित्तल, अंबिका गर्ग, अनिता अग्रवाल, भावना अग्रवाल, सरित गर्ग, किरण अग्रवाल एवं संस्था की कई महिलाएं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। विशाल निःशुल्क नेत्र व चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर सक्सेना चिकित्सालय मोती कुआं कोटा रोड इटावा पर आयोजित हुआ, जिसमें कुल 175 लोगों ने पंजीयन कराया। सामाजिक कार्यकर्ता विकास सक्सेना ने बताया कि शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीना सक्सेना द्वारा 120 मरीजों के आंखों की जांच की व वरिष्ठ मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सोनी द्वारा शुगर, थायराइड, पीपी, हृदयरोग, श्वास रोग, हार्मोन रोग, प्राकृतिक चिकित्सा, जटिल रोग के 55 मरीजों हेतु परामर्श दिया। ग्रामीण क्षेत्र से सुबह से ही लोगों ने पहुंचकर पंजीयन करवाना प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान शिविर में डॉक्टर नीरज सक्सेना ने भी अपनी सेवाएं लोगों के लिए दी। इस दौरान भारतीय किसान संघ जिला प्रचार प्रमुख गिरिजा शंकर गुप्ता, पार्षद रूप कंवर गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मित्तल, कोकिल मानस मंडल इटावा अध्यक्ष नरेश खंडेलवाल, विकास सक्सेना ललित मित्तल, पार्षद प्रतिनिधि जुगल किशोर प्रजापत, जितेंद्र कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री मथुराधीश मंदिर पर बसंत पंचमी से शुरू हुई फाग उत्सव की धूम होली के दिन पर चरम पर होगी। प्रथम पीठ युवराज बाबा मिलन कुमार गोस्वामी ने बताया कि बसंत पंचमी से 40 दिन तक फाग महोत्सव मनाया जाता है। होली पर डोल उत्सव मनाया जाएगा। यह श्री चंद्रवाली जी का प्रधान उत्सव माना जाता है। डोल उत्सव से पूर्व रविवार को प्रभु को अभंग किया जाएगा, वहीं सोमवार को प्रातः 5 बजे मंगला के दर्शन होंगे। इसके बाद 11 बजे से दर्शन प्रारंभ होगा। मिलन बाबा ने बताया कि डोल उत्सव पर सोमवार को पूरे दिन प्रभु की सेवा चलेगी। मंदिर में अबीर गुलाल, चोवा, चंदन छिड़का जाएगा। उत्सव के दौरान 4 भोग चढ़ाए जाएंगे। राजभोग में गुड़ के पुरले का भोग लगाया जाएगा। पहली बार बंधनवार सजेगी। इस दौरान केसों के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों के बौछार से गीली होली मनाई जाएगी और होली के रसिया का गायन होगा।
मिलन कुमार बाबा ने बताया कि डोल उत्सव प्रभु से फिर से जुड़ने का अवसर है। डोल का अर्थ लता फूल पत्तियों से बना झूला है, जिस पर ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी के साथ झूलते हैं, जबकि गोपियां श्री प्रभु पर और एक दूसरे पर टेसू का जल, अबीर गुलाल आदि छिड़कती है। डोल का संदेश है कि प्रभु भक्तों के हृदय में झूलते हैं। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी से शुरू हुए 40 दिवसीय उत्सव में प्रतिदिन प्रभु को अबीर गुलाल से होली खिलाई जाती है। होली वसंत को चरम पर पहुंचाने का उत्सव है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को होली मिलन समारोह में शिरकत करने देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। राजस्थान मुख्यमंत्री ने जोधपुर हाउस में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ के यूनिट और जोधपुर हाउस के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ होली सेलिब्रेट किया। गौरतलब है कि आज पूरे देश में होलिका दहन किया जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च यानी आज सुबह 9:54 से शुरू होगी और समापन 25 मार्च यानी कल दोपहर 12:29 पर होगी। हालांकि इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। होलिका दहन के अगले दिन 25 मार्च को रंगावली होली खेली जाएगी। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक होली धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। हालांकि इस साल होली की तारीख को लेकर पेंच फंस गया है। कहीं पर 25 मार्च दिन सोमवार को होली मनाने की तैयारियां हैं तो कहीं पर 26 मार्च के दिन मंगलवार को होली खेली जाएगी। इस होली पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। बारा में शनिवार को किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष योगेश कुमार की अध्यक्षता में कोटा रोड एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें बारा शहर में किराना व्यापारियों ने आईटीसी कंपनी के उत्पादकों का बहिष्कार करने की बात कही है। व्यापार संघ बारा व्यापारियों से अपील की है कि 31 मार्च तक दुकान पर पड़े हुए स्टॉक को खत्म करना है। इसके बाद आईटीसी उत्पाद सिगरेट, साबुन, आटा आदि बचे हुए स्टॉक को जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है उसे वापस कर दुकान पर आईटीसी का उत्पाद नहीं रखें। 1 अप्रैल से बारा शहर में कोई भी आईटीसी उत्पाद किराना व्यापारी नहीं बेचेगा। किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष योगेश कुमार ने आईटीसी कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी की हठ धर्मिता के कारण डिस्ट्रीब्यूटर नरेश खंडेलवाल का हिसाब कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। नरेश खंडेलवाल का आईटीसी कंपनी पर 1 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम बाकी हो गई है। पीड़ित नरेश खंडेलवाल ने बताया कि उनके पास 20 लाख से अधिक का माल एक्सपायरी पड़ा हुआ है जो कंपनी उठाने को तैयार नहीं है, जिससे वहां बहुत नुकसान में है। पारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। व्यापार संघ के नियमों का उल्लंघन किया है आईटीसी कंपनी ने, उससे रुष्ट होकर व्यापार संघ ने इसके उत्पादों का बहिष्कार किया है। हमारी पूर्व वाली कंपनी, पूर्व वाली जो डीलर है नरेश कुमार, सुरेश कुमार, उनका विगत 4 वर्षों से काफ़ी सारा पैसा, 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट है जो कंपनी दे नहीं रही है, हिसाब नहीं कर रही है, जिसका मेल करते हुए इनको लगभग 4 साल भी हो गए हैं और 4 महीने से तो इनने बिलिंग बंद करवा दी है। उसका पूरा हिसाब इनने बना करके कंपनी को मेल कर दिया है। 1-1 पैसे का हिसाब इनने मेल से कंपनी को दे दिया है। कंपनी का उस पर कोई जवाब नहीं है। कंपनी के अधिकारियों से जब हमने बात करी तो उनने बदतमीजी से हमसे बात करी, यहाँ तक भी उनने हमें आरोप लगाया कि इनने इनसे पैसे खा लिए, इसलिए इनका सहयोग कर रहे हैं। हमने 31 मार्च तक बारा शहर में व्यापारियों से कह दिया है कि जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसे बेच लें, जो माल बचेगा वो जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने लिया, नए से या पुराने से, आप उन्हें वापस कर दें, वो उनका पेमेंट आपको दे देंगे। 1 तारीख के बाद बारा शहर में आईटीसी का कोई उत्पाद नहीं बिकेगा। ये व्यापार किराना व्यापार संघ के सभी संरक्षक दल ने ये निर्णय लिया है, व्यापारियों ने निर्णय लिया है, नया और पुराना दोनों डीलर इसमें मौजूद हैं, दोनों की सहमति है। नाम बताएं, पद बताएं। मैं योगेश कुमरा, अध्यक्ष किराना व्यापार संघ बारा।
वेजार गांव में विद्युत तारों में स्पार्किंग से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। किसान लक्ष्मी नारायण मेघवाल ने बताया कि उसकी फसल पक कर तैयार थी, जिसको वह एक दो दिन में कटने वाले थे, जो उसके पहले ही यह हादसा हो गया। इससे किसान लक्ष्मी नारायण मेघवाल को काफी नुकसान झेलना पड़ा। रेलवान से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। आरा में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी के एक वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूरा होने पर शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन, विधायक राधेश्याम वर्मा एवं शहर अध्यक्ष महावीर नामा की अगुवाई में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोटा रोड स्थित श्रीकृष्ण गौशाला में गोवंशों को हरा चारा एवं गुड़ खिलाया। कार्यक्रम के पश्चात जिला संयोजक राकेश जैन व माइक्रो डोनेशन अभियान के जिला संयोजक मुकेश केरवालिया की अगुवाई में नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा जिला प्रवक्ता सचिन सांध्या व सह प्रवक्ता योगेश राजौरा ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम भाजपा जिला महामंत्री हरगोविंद जैन व ब्रह्मानंद शर्मा, सारिका सिंह, महेश अदलखा, हरिराम गुज्जर, हरीश वैष्णव, बद्री प्रसाद मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। होली पर्व को लेकर राजस्थान के बारा में पुलिस जवानों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए शहर के प्रमुख मार्गों सहित संवेदनशील क्षेत्र से गुजरकर शहर का जायजा लिया है और आमजन को भयमुक्त वातावरण में भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर एसडीएम पूजा मीणा, डीएसपी ओमेंद्र सिंह कोतवाली से आई रामविलास मीणा भी मौजूद रहे। एसडीएम पूजा मीणा ने बताया कि होली त्यौहार और चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के द्वारा शांति स्थापना और विभिन्न तैयारी के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया। सभी को शांतिपूर्वक उत्साह के साथ भयमुक्त वातावरण में त्यौहार मनाने का संदेश दिया गया है। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। फ्लैग मार्च निकाला गया होली के त्यौहार के मद्देनजर और चुनावी तैयारियों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के द्वारा शांति स्थापना के लिए और विभिन्न तैयारियों के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। शहर के मुख्य मुख्य मार्गों पे हमने ये मार्च निकाला है और अभी हमने सभी लोगों के साथ में इसके पहले सीएनजी की मीटिंग भी ले ली है। सभी को शांतिपूर्वक अपने त्योहारों को उत्साह के साथ मनाने का हमने संदेश दिया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बारा कस्बा थाना चेक पोस्ट पर बना रेत से भरा डंपर किया जब्त। निःशुल्क नेत्र व चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर संपन्न, 175 लोगों ने पंजीयन करवा कर लिया परामर्श। श्रीमद्राधीश मंदिर में डोल उत्सव कल, अबीर गुलाल से ठाकुर जी खेलेंगे होली, केसों के फूलों के रंग की होगी बौछार, होली के रसिया का होगा गायन। बारा किराना व्यापार संघ ने की प्रेस वार्ता, आईटीसी उत्पादों का बहिष्कार करेगा किराना व्यापार संघ। झालवाड़ा जिला के खानपुर थाना क्षेत्र के बेसारा गांव में आज से करीब 2 बीघा के गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बारा होली पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस बल के साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।